शाहिद अफरीदी का सबसे धुआंधार और तेज़ शतक। 4 अक्टूबर 1996 की बात है। श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम नैरोबी में मैच खेल रही थी। उस मैच को क्रिकेट की दुनिया में एक धुआंधार पारी के लिए याद रखा जाता है। उस मैच में शाहिद अफरीदी ने वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज़ शतक बनाया था। अफरीदी ने सिर्फ 37 गेंदों पर शतक ठोक दिया था। ये रिकॉर्ड करीब 18 साल तक अफरीदी के नाम ही रहा। बाद में न्यूजीलैंड के कोरे एंडरसन ने 2014 में 36 गेंद पर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शतक ठोक कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। अगले ही साल एवी डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 31 गेंद पर ही शतक ठोक दिया और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। क्या आप जानते हैं कि शाहिद अफरीदी ने जो विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, उस पारी में वे किसके बल्ले से खेल रहे थे? आइए जानते हैं विस्तार में। जिस मैच में शाहिद अफरीदी ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, ऐसा नहीं था कि उसमें श्रीलंका के कमज़ोर गेंदबाज खेल रहे हो। उस मैच में चामिंडा वास थे, मुथैया मुरलीधरन थे, लेकिन एक बार जब शाहिद अफरीदी के बल्ले पर गेंद आनी शुरू हुई तो फिर गेंद सिर्फ बाउंड्री पार ही दिखाई देती है। शाहिद अफरीदी सलीम इलाही के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने आते ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। आज क्रिकेट में सब कुछ संभव है। 6 गेंद पर 6 चौके, 6 गेंद पर 6 छक्के। आज क्रिकेट की सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। T20 फॉर्मेट ने क्रिकेट का मतलब सिर्फ गेंदबाजों की धुनाई बना कर रख दिया है। लेकिन अफरीदी ने जब 1996 की वो पारी खेली थी, जब क्रिकेट का पुराना रूप ही चल रहा था, ऐसे वक्त में अफरीदी ने मैदान में तूफान ला दिया था। उस पारी में अफरीदी ने 11 छक्के लगाए थे, जो एक पारी में लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के का रिकॉर्ड भी है। पाकिस्तान ने वो मैच बड़ी आसानी से जीत लिया था। उस मैच के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को शाहिद अफरीदी के तौर पर एक बड़ा स्टार मिला था। क्या आप जानते हैं कि शाहिद अफरीदी की उस धुआंधार पारी का सचिन तेंदुलकर से क्या कनेक्शन है? हुआ यूं कि सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत किए करीब 7 साल बीत चुके थे। एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर वो अपनी पहचान बना चुके थे। सचिन को अपने बल्लों से कितना प्यार है, ये पूरी दुनिया जानती है। सचिन अपने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह चुके हैं कि उनका बल्ला उनसे बात करता है। सचिन के बल्ले का पाकिस्तान कनेक्शन है। बाद में मैंने खुद भी देखा है, जब 2004 और 2006 के दौरों में सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के बल्ले बनाने वालों से मिलने गए थे। खैर, तो हुआ यूं कि सचिन तेंदुलकर ने अपना एक बल्ला वकार यूनिस को दिया। उन्होंने वकार से कहा कि उन्हें बिल्कुल ऐसे ही बल्ले और चाहिए, वकार इन्हें सियालकोट से मंगा देंगे। वकार यूनिस ने बल्ला अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने जा रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहिद अफरीदी को वेस्टइंडीज़ के लिए बुलाया, और जो उस वक्त वहाँ अंडर-19 क्रिकेट खेल रहे थे, वो तो क्रिकेट बोर्ड ने शाहिद अफरीदी को वेस्टइंडीज़ से बुला लिया। अंडर वकार यूनिस ने शाहिद को वो बल्ला ये कहकर तोहफे में दे दिया कि वो उस बल्ले से खेले, वो उनके लिए लकी रहेगा। वकार ने यह भी बताया था कि ये बल्ला एक बहुत बड़े खिलाड़ी का है। शाहिद अफरीदी को बाद में पता चला कि वो बल्ला दरअसल सचिन तेंदुलकर का है। शाहिद अफरीदी खुद बताते हैं कि जब वो उस बल्ले से खेले तो उन्हें बड़ा मज़ा आया। उस बैट का बैलेंस बहुत ही अच्छा था। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही शाहिद के इस बल्ले के
सचिन कनेक्शन का पता चला तो बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि वो उस बल्ले को नीलाम कर दे, लेकिन शाहिद अफरीदी के लिए वो एक बेशकीमती तोहफा था। उन्होंने आज तक वो बल्ला संभाल कर रखा हुआ है। बल्कि शाहिद अफरीदी के शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने वो बल्ला अपने घर में दुल्हन की तरह सजा कर रखा हुआ है। उनका कहना है कि इस बल्ले से उनकी दो यादें जुड़ी हुई है। अव्वल तो उन्होंने उसी बल्ले से विश्व रिकॉर्ड बनाया था और दूसरा वो बल्ला सचिन तेंदुलकर का है। हालांकि उनकी उस विश्व रिकॉर्ड वाली पारी का पूरा क्रेडिट उस बल्ले को नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए वो ये चुटकी लेना भी नहीं भूलते कि उस बल्ले से सचिन तेंदुलकर भी कई बार आउट हो चुके हैं।